हो, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो आज मैं आप SIS के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई एक सिस्टर के साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हालांकि ज्यादा रुपया का नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी फ्रॉड होता है भाई, जेब से अगर 50 रुपया भी गिर जाता है तो भाई पूरा दिन जो है 2 दिन तक अफसोस होता है, 50 रुपया मेरा गिर गया। ये 1400 रुपया का फ्रॉड हुआ, 1450 का लगभग फ्रॉड हुआ है। तो आप लोग जो है ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहन मुझे जो है मैसेज की थी, कमेंट की थी कि भैया मुझे जो है ना ज्वाइनिंग लेटर आया SIS की तरफ से, और जो है 19,000 सैलरी, 19,500 सैलरी बताया गया है, और वर्क लोकेशन होम, वर्क लोकेशन भाई SIS का सिक्योरिटी गार्ड मतलब होम लोकेशन बताया गया है, और 19,000 सैलरी जो कि अपना बिहार में, ये संभव नहीं है भाई कहीं पे संभव। 8 घंटे का 19,500 सैलरी संभव है, लेकिन भाई कहीं कहीं लोकेशन पे संभव है, जैसे आप बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर में कहीं कहीं है कि 8 घंटे का 21,000 सैलरी तक, सबसे ज्यादा मैं देखा हाईस्ट सैलरी 21,500 रुपया। आप लोगों को मैं बता दूं, अमेजोन कंपनी है जिसमें कि आप लोगों का SIS अगर ज्वाइन करते हैं तो 8 घंटे का सैलरी 21,500 तक बेसिक सैलरी आप लोगों को देगा। तो भाई वहां वर्क करना पड़ेगा, आप कहीं पे कोई भी वर्क करते हैं, कहीं पे जाते हैं, जितना वर्क करिएगा वर्क के अनुसार से पैसा मिलता है। मैं लगभग में भाई आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जगह बहुत सिक्योरिटी गार्ड हो या हेल्पर हो, इंजीनियर लेवल का हो, ऑपरेटर हो, जो भी वर्क हो, मैं कोई वर्क नहीं छोड़ा हूँ, वो सब वर्क किया हूँ। लगभग मैं कंपनी में जाता हूँ तो वही सब देखने का, अपना नॉलेज लेने का कोशिश करता हूँ। तो जहाँ कहीं भी जाइएगा, जितना वर्क करिएगा वर्क के अनुसार से ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। आप लोग कहते हैं बेंगलोर आइएगा तो यहाँ पे जो है हिंदी वाले ज्यादा वर्क करवाता है, इसलिए ज्यादा रुपया मिलता है। और अपना नोएडा ले जाते हैं तो वहां पे अपने दबंग की तरह रहिएगा, कुछ किसी से डरिएगा नहीं, अलग तरह से अच्छा, वहां बहुत अच्छा रहिएगा। जैसे उधर सैलरी थोड़ा कम है, इधर सैलरी ज्यादा है, इधर भाई बहुत चीज दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं भाई उतना नहीं, मैं होगा नेक्स्ट वीडियो बनाते रहूंगा उस सब पे। तो ये SIS के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। SIS की तरफ से भाई ज्वाइनिंग लेटर उनको भेजा गया, जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को आगे दिखाएंगे। आप लोग अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कैसा ज्वाइनिंग लेटर आया था और कितना सैलरी, बेसिक सैलरी बताया था, जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे सैलरी के बारे में, सैलरी का डिस्कस। तो आप लोग कहीं पे कोई भी जॉब के नाम पे पहले रुपया मांगता है तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। ये हालांकि है कि आप कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करते हैं तो वहां पे रुपया लिया जाता है। SIS ज्वाइन करते हैं तो भाई 1400-1500 रुपया नहीं, लगभग में 6,000+ लिया जाएगा। बेंगलोर में आते हैं तो अभी जो है 6,800 रुपया इसका बेसिक से, मतलब रुपया इतना रुपया लेगा ही, उसमें जो है आप लोगों को 6,800 रुपया लेगा सिर्फ जो है SIS लेगा, SIS कंपनी लेगा। उसके बाद आप लोगों को ठेकेदार अलग लेगा, 300 रुपया मेडिकल का लेगा, उसके बाद जो है 200 या 300 रुपया फॉर्म का लेगा, ये सब एक्स्ट्रा रुपया हो जाता है। तो लगभग में 7,000 रुपया आप लोग अगर बेंगलोर आते हैं, बेंगलोर में SIS ज्वाइन करते हैं तो 7,000 रुपया लग जाता है। और पहले ज्वाइनिंग लेटर कहीं से आया और बोल दिया कि आप इतना पेमेंट भेजिए, पहले 1500-2000 पेमेंट भेजिए, उसके बाद आप लोगों को जो है ऑफिस बुलाया जाएगा, तो ये सब फ्रॉड है भाई। आप लोग कहीं पे ज्वाइन करते हैं तो SIS भाई 6,000 इसलिए लेता है कि 6,000 का आप लोगों को वर्दी देगा, आप लोगों को लगेगा भाई कम से कम जो है ना 2-3 पैक जो वर्दी देगा, उसमें जो है 2 सेट वर्दी, ये जो वर्दी में पहना हुआ हूँ ये 2 वर्दी रहेगा, 2 कैप रहेगा, 2 सूट रहेगा, उसके बाद जैकेट रहेगा। आपको लगेगा कि हमको जो है ना 7,000 का सामान, मतलब 6,000-6,800 का सामान मिल चुका है, इसलिए भाई उतना रुपया जो SIS लेता है। लेकिन पहले रुपया नहीं लेता, आपका सारा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट है पासबुक तक ओरिजिनल चाहिए, पासबुक भी ओरिजिनल है तब तो ही इसमें सिलेक्शन होगा। पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद जो है जो भी मैट्रिक का है तो मैट्रिक का मार्कशीट, ये सब ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल जो है अपलोड होता है, उसके बाद आप लोगों को ये वर्दी दिया जाता है। आप ओरिजिनल अगर नहीं लेके जाते हैं तो आपका जो है SIS ज्वाइन नहीं करता है। आपका ID कार्ड भी साथ ही दे दिया जाता है, उसके बाद रुपया देता है। और अगर G4S जाते हैं तो G4S में 2500 चार्ज है 2500 रुपया लेगा। इससे पहले मैं CSS में वर्क कर रहा था, वहां भी लगभग में 2000 चार्ज है। ये सब चार्ज जो है सिक्योरिटी गार्ड कहीं भी ज्वाइन करिएगा तो पहले ले लेता है। लेकिन ये नहीं है कि आप घर बैठे हैं फोन किए सर मुझे SIS में लगना है तो 2000 रुपया सेंड करो, ये कुछ नहीं है भाई। ऑफिस आप लोग अगर बिहार में लगते हैं तो बिहार में ऑफिस, पटना में ऑफिस है बहुत, मतलब बिहार का लगभग पटना मेन ऑफिस तो पटना है, बेंगलोर का भी जो ऑफिस मेन जो है पटना से कांटेक्ट होता है, पटना से लड़का का सिलेक्शन किया जाता है। तब कहीं भी जाते हैं इंडिया में कहीं जाते हैं तो SIS का ऑफिस सभी जगह मिल जाएगा। अपने सर्च मार सकते हैं भाई, सर्च करके आप जो है SIS ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जहां आपको लगना है, केरल लगना हो, दिल्ली लगना हो, नोएडा, मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे लगना हो तो आप लोग SIS ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और वहां पे अगर कहीं पे SIS कुछ दिन किए हैं, जैसे 6 महीना 7 महीना किए तो आपको ज्वाइन होने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ये यूनिफॉर्म लीजिएगा सिर्फ इसका ही चार्ज कटेगा, सैलरी चार्ज कटेगा। फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आप लोगों को 6,000-7,000 सैलरी
लगेगा। तो मैं पहले ही बता दिया ऑल इंडिया भाई इसका जो है, अब SIS का जो है विदेश में भी इसका ब्रांच खुल गया है, तो आप लोग विदेश में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री भी ब्रिटेन जैसे कंपनी में जो है SIS अपना ड्यूटी देने लगा है, तो आप लोग विदेश भी जा सकते हैं और वहां पे भी ऑफिस विजिट करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो कहीं पे आप जाइएगा तो बस ऑफिस विजिट करके आप लोग SIS ज्वाइन करिएगा, ऑफिस से ज्वाइनिंग होगा। ऐसे जो है फ्रॉड कॉल करेगा कि भाई 1400-1500 ये दो वो दो, मतलब वो बिल्कुल फ्रॉड रहता है। तो इसलिए मैं लगा कि ये वीडियो जो है काफी भाई को हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, होगा भाई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फिर से SIS के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो मेरा पुराना होगा जो कि उसमें कितना सैलरी मिलता है क्या मिलता है वो बताया था मैं, होगा तो कल या परसों एक वीडियो और पब्लिश करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि SIS का ट्रेनिंग इधर कितना दिन होता है, उसके बाद जो है पेमेंट कितना मिलता है, खाना मिलता है नहीं, रूम कितना मिलता है कि नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।